सिंगोल को और सभी आदिनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिज़ाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिज़ाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हमारा इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है, लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है और ये डेली नई नई चीज़ें ढूंढते हैं विरोध करने की, मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज़ इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे हैं, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है ये बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से नकारात्मक सोच आपके बीच में उसको देखता है। एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, आज उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के समय इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट, यह स्पष्ट दिखता है कि उनकी मानसिकता पूरी तरह भारत विरोधी है। भारत के 140 करोड़ भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राजद को पूर्ण रूप से उसी ताबूत में बंद कर जनता समाप्त करने का काम करेगी।